अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं निहारी। आज हमारे घर निहारी बन रही है। निहारी में सबसे पहले जो पिसे हुए मसाला जात में उसमें है जीरे धनिया का पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जो है रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और 1/2 टीस्पून मैंने लिए हल्दी पाउडर, और ये जो है 1 टीस्पून है जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो आपको नज़र आ रहा है ये टाटी पाउडर है, तकरीबन 2 पिंचेस लिया है मैंने, ये 2 चुटकियां ली हैं, सही है। फिर उसके बाद जो है पीसने वाले मसाले हैं उसमें हैं मैंने लिए 2 टेबलस्पून सौंफ, ये 2 पिपली ली हैं, पिपली आपको मैं करीब से दिखा दूँ, ये 2 पिपली हैं, 2 पिपली के वो लिए हैं, और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 10 से 12 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 5 से 6 लौंगे ली हैं, 2 बादियान के फूल ली हैं, और चंद स्टिक मैंने ये दालचीनी के लिए हैं। इन सब मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी या पीस लूँगी। उसके बाद ये निहारी का जो ख़ास मसाला है ना वो ये है, और बाकी मसाले तो हम ये वाले डालते हैं हंडिया में डालते ही हैं, लेकिन जो ये मसाला है ना ये निहारी का ख़ास मसाला है। इसको हम पीस के जब हमारी निहारी हाफ डन हमारा सालन हो जाएगा तो फिर हम इसे ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, और ये दही है, ये कोरमे में डालेंगे हम, और ये पिसी प्याज है। अगर आप पिसी प्याज यूज़ करना चाहें वो कर लें, वरना फ्राई करके उसमें गोश्त ऐड कर दें। मेरे पास पिसी थी, मैंने कहा जल्दी काम हो जाएगा इसलिए मैंने पिसी प्याज ले ली, 1 कप पिसी प्याज, और 1 kg मेरे पास बीफ है, ज़रा बड़ी बोटियाँ हैं कटी हुई, सही है, बीफ है 1 kg मेरे पास, और ये एंड में जो निहारी को थिक करने के लिए इसमें मैंने लिया है 3 टेबलस्पून फाइन आटा, और 1 टेबलस्पून जो लिया है मैंने बेसन लिया है, 3 टेबलस्पून फाइन आटा और 1 टेबलस्पून जो है मैंने बेसन लिया है। इसको पानी के साथ घोल बना लेंगे, जब हमारा गोश्त गल जाएगा उसके बाद फिर रेसिपी तो आप फॉलो कर रहे होंगे, देखते जाइएगा मैं इसका क्या करती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि मेरी मामा ने आज शुरू में ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमेशा स्पाइसेस जो मैं इधर उधर कर देती हूँ, तो मैंने कहा आप ये शुरू वाली जो वीडियो है वो ख़ुद बना के मुझे दे दें। तो यहाँ पर आगे भी मामा ने बोलने की कोशिश की थी, पर चूल्हे की आपको पता है आवाज़ आती है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो जी यहाँ पे मामा ने कुकर के अंदर ऑयल डाला है, और उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसके बाद मामा इसके अंदर डाल देंगी बीफ, जो कि आई थिंक 1 kg है। शुरू में मामा ने आपको बता दिया होगा, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आपने शुरू में वीडियो देख ली है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देना है बीफ, और इसको अच्छे से जो है वो हमने भूनना है। बीफ को अच्छे से भून लिया है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, तो अदरक लहसुन के अंदर हमने इसको अच्छे से भूना है, इसने ऑयल जो है वो सेपरेट कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई प्याज, जो कि 1 कप मामा ने ली थी, तो फ्राई प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी फ्राई प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो जी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, जिसमें है नमक, हल्दी, जिंजर पाउडर, जीरे धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी टाटरी। तो जी जो स्पाइसेस आपको पहले मैंने आप मामा ने बताए थे, तो वो जो
एक जो छोटा प्लेटर था वो हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देंगे, और स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको भुनेंगे अच्छे से। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो कच्चे ना रहें, अच्छे से पक जाएं। तो स्पाइसेस डालने के बाद भी इसको आपने अच्छे से भून लेना है। तो जी, बीफ को हमने अच्छे से भून लिया है स्पाइसेस के अंदर, तो बीफ तो हमारा गला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो जी, पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 लीटर, ताकि हमारा जो गोश है वो अच्छे से गल जाए। जैसे आपको पता है निहारी में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा गलता है गोश, क्योंकि ऐसा होता है तो ज़्यादा गला हुआ होता है, तो हमने इसको ज़्यादा गलाना है। तो 2 लीटर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। कुकर को हम कर देंगे बंद ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे से गल जाए। निहारी का ख़ास मसाला है जिससे निहारी का टेस्ट बनता है, उसमें ये सौंफ है 2 टेबलस्पून, ये पिपली है, ये मैं आपको करीब से दिखा दूँ, 2 स्टिक्स मैंने ये पिपली की ली है, और 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, 10-12 लौंगें, 10-12 काली मिर्चें, 5-6 लौंगे लिए, 2 बादियान के फूल लिए, 3-4 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ली है, और 2 पत्ते मैंने कटफट छोटे छोटे से थे 2 पत्ते मैंने ये लिए हैं तेज़पात के। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, और ये ये जो निहारी मसाला हमने बनाया था पिपली वगैरह ये सब कूट के, इसको हम क्या करेंगे पानी डालकर रख देंगे। ये पानी इसलिए डालेंगे इससे निहारी का कलर ख़राब नहीं होगा। फ्रेश कलर रहेगा बिल्कुल, और टेस्ट भी बढ़कर आएगा इससे पानी डालने की वजह से। तो जी, यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तो मामा ये भूल गई थी, आप जब इसका कोरमा रेडी कर रहे हो तो लास्ट में आप इसके अंदर दही तब ऐड कर सकते हो, तो मामा के जहन से निकल गया, आप इस वक्त भी कर सकते हो। तो दही ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से कर लो मिक्स, ताकि इसके जो लम्स हैं वो ना बने। आप अच्छे से इसको फेंट लोगे तो बिल्कुल भी उसके जो लम्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो जी, दही ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करो, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला ब्लेंड किया था और उसके अंदर हमने पानी ऐड किया था, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से भी आपने मिक्स करना है मसाले को भी पानी डालने के बाद, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे निहारी के अंदर। इसको ऐड करने से आपको मामा ने आपको बताया कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। पानी आप इसके अंदर ऐड कर लो तो इसका कलर बहुत ही फ्रेश सा रहता है, अच्छा सा रहता है, बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक सा नहीं होता। काफ़ी लोगों की निहारी जो है वो अच्छे से ना वो काली काली सी हो जाती है, तो इससे आपका निहारी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो आप लोग इस तरह ज़रूर कीजिएगा। तो जी, यहाँ पे हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल चुका है, तो मामा आपको वही दिखा रही थी कि आपने बीफ को अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ पे भी निहारी को अच्छे से बॉईल आ रहा है, तो आपने जो मिक्सचर रेडी करना होता है जिससे ये गाढ़ी होती है, बेसन और फाइन आटा जो मामा ने आपको बताया था, तो मामा ने उसके अंदर पानी डाल लिया था, इसका अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब आपने निहारी के अंदर इसको आराम आराम से डाल लेना है, और आराम आराम से इसको एक हाथ से मिक्स करते रहो और एक हाथ से डालते रहो, तो ये अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने अच्छे से पका लेना है, तो इसको तब तक पकाना है जब तक इसका जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए, मतलब कि बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप लोग समझ जाना कि आपकी निहारी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो जी, बस अब इसको अच्छे से पकाना है, और इसका इंतज़ार है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी रेडी हो जाए। तो जी, आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना मेरे मामा के स्टाइल से, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर करना, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ट्राई की, आपकी कैसी बनी, तो बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि तो यहाँ पे अब मामा ने इसके अंदर ऐड कर दिए जायफल जावित्री, जो कि
चौथाई हिस्सा होगा क्योंकि ये कम डलती है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मिंट पाउडर एज़ यूजुअल, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, तो आपने इसके अंदर वो भी ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स करके पकाने के लिए रख दो। तो जी आपने निहारी को हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है और तब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो आपको मैं आगे आंच भी दिखा देती हूँ कि आपको कितनी इसकी आंच रखनी है और इसको पकाने के लिए रख देना है। तो हल्की सी, बिल्कुल मीडियम सी आपने आंच करनी है। तो इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी निहारी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है। तो जी यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी निहारी तैयार है, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको सर्व करके बताते हैं कि ये कैसी लग रही है। तो जी इसको आप कर लेते हैं डिश आउट। तो जी यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो निहारी है वो तैयार हो चुकी है और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। तो ये थी रेसिपी आज की, तो आपको आई होप अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।